आप PSL में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यार मुझे तो सीरियसली ये भी नहीं पता कि PSL में मैच में टीम्स हैं कौन कौन। पिंडी की आवाम जो है वो मुश्किल में है, लेकिन पिंडी की टीम कोई नहीं है। मैंने तुम्हें कल कहा था इसको सात मत लेके। भाई आज कितने खोजेंगे इतना पूछा कर। अच्छा जी हम नहीं कर रहे हैं जो कल आपको हमने सरप्राइज का कहा था, अभी सर से भी पूछते हैं एक सेकेंड। चलो आ जाओ। क्या हुआ कहाँ जा रहे हैं फिर? कल आपने सरप्राइज वो हमें बताया ही नहीं है। सरप्राइज अभी जाके आपको दे देते हैं। बस निकल रहे हैं, मैं रात के ऑफिस जा रहे हैं और उधर जाके अपडेट करते हैं। हमारी किस्मत में हमेशा सही जो है ना, जब भी हम बाहर निकलते हैं रॉन्ग पार्किंग जो है हमेशा मिलती है। सामने कौन? आप PSL में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यार मुझे तो सीरियसली ये भी नहीं पता कि PSL में मैच में टीम्स हैं कौन कौन। इतनी ज्यादती की बात है कि देखिए पिंडी में मैचेस हो रहे हैं और पिंडी की अपनी टीम ही कोई नहीं। पिंडी की टीम नहीं है? हाँ पिंडी की आवाम जो है वो मुश्किल में है, लेकिन पिंडी की टीम कोई नहीं है। हैंडल भाई किधर है हमारे? ऐसा उसकी लोकेशन किधर है? लोकेशन उसकी जो है ना बस ब्लू एरिया में ही है। नहीं एग्जैक्ट बताना कहाँ पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसकी। वार्ड ऑफिस देखा था आपने पुराना वाला गोल बिल्डिंग में? हाँ जी। इस्लामाबाद में जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं ना 4 बजे के टाइम के ऊपर आपको मैक्सिमम रश करता है, तो आपको हमेशा या 6 बजे के बाद निकलना चाहिए या आपको 4 बजे से पहले निकलना चाहिए। और हम ठहरे रियलिटर्स तो हमारा तो कोई टाइम ना आने का है ना जाने। दिल का सोया गया कि अंकल ने 6 बच्चे बिठाए हुए थे एक मोटरसाइकिल के ऊपर। ये अंकल भी लेजेंड है ना? नहीं ये लेजेंड ही कहते हैं जो आप कह रहे थे। नहीं ये बच्चे बिठा रहा, लेजेंड एसी में बैठ के ये काम नहीं करते। किस तरह बिठाने हैं बड़े बच्चों को? कैसे बिठाना है छोटे बच्चों को? किस तरह बिठाना है लेजेंड वो काम? यार मैंने तुम्हें कल कहा था इसको साथ मत लेके, लेजेंड को साथ ले आए हो। भाई आज कितनी खोजेंगे इतना पूछा करते? पूछता हूँ फिर। पहला सवाल है जिसमें सोच के जवाब देते हैं। वैसे इनको जवाब देने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खेल का काम होता है ना, वहाँ सोचना पड़ता है कि अभी इस टाइम कौन सी गोली किस वक्त देनी है। गोलियाँ करा रहे हैं? नहीं नहीं देखिए सेल की गोली होती है ना। कर यार गोलियाँ तो ना करा ना। हाउ लाओ निशान है ना जिसका AKA also known as नाम है शानू। अब शानू ने एक नया काम शुरू किया है, वो है वीडियो एडिट। सारे लोगों को पीछे छोड़ देगा। यार काम कौन सा वाला? हमारे ऑफिस का ये वाला था ना। ये है यार इमारत का हेड ऑफिस। यार अगर हम लोग दूसरी तरफ से आते ना इस वाले यू टर्न से तो हम लोग स्ट्रेट अंदर जाके सर्विस रोड से जाते। हमने ऐसा उनको मनवा लिया है कि गलती इसकी। बहुत ज्यादा रश है यार ये सर्विस रोड पे। मैं 20 किलोमीटर कहाँ पे खड़े अभी गाड़ी पूरे हिली ऊपर ओ भाई ये मेन होल है गटर वाले वो जो भी था गटर कितना आपको मैं आराम से देख रहा। यार तो आप इस्लामाबाद ब्लू एरिया में फिर रहे हैं तो गाड़ियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा? सबसे मेन इशू पार्किंग का वो हल हो गया। आ जाए जी गाड़ी लगी तो नहीं है? नीचे से लगी है थोड़ी बहुत। लगी है तो तूने सामने खड़े होके खाली वीडियो ही बनानी तो मैंने नहीं बताया आपको? नहीं बताया। सरप्राइज से पहले आपने बड़ा सरप्राइज देके गाड़ी ली। कौन से फ्लोर पे जाना है? फर्स्ट फ्लोर पे। बस हम निकलने लगे हैं ऑफिस से इमारात वालों के। मीटिंग कैसी रही है यार? उसके बारे में बड़ी जबरदस्त किस्म की रही है। इंशाल्लाह हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद इमारात बिल्डर्स की टीम में। एसल टाउन में बल्कि 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका नाम है पवेलियन 17-18 के बीच में। इससे बेहतर बिल्डिंग कोई नहीं होगी। बहुत जल्दी इसके पेमेंट प्लान्स, इसकी इन्वेंट्री, सेल रिलेटेड मटेरियल है वो होपफुली इन द नेक्स्ट 4-5 डेज हम लोग रिव्यू कर देंगे इंशाल्लाह। और हम दोबारा से पूरे दिन की मेहनत के बाद ऑफिस आ चुके हैं। ये आया जी हमारा प्यारा सा ऑफिस Realty1 ग्रुप।